पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना, पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी, 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं देते थे, सूरज जी की बात कर रही हूँ है ना, फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा, हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों की लाइफ में जो रियल में होता है वो रील्स में कुछ अलग ही दिखाई देता है। हम ये लोगों की लाइफ देख के सोचते हैं कि वाओ कितना पैसा वाला है, हस्बैंड वाइफ में देखो कितना प्यार है, बाकी एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कैमरे के पीछे हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कैसा सलूक कर रहा है हम में से कोई नहीं जानता। अगर सपना आज ये वीडियो नहीं बनाती तो हम में से किसी को ये चीज़ पता ही नहीं होता कि सपना के जीवन में कितने दुख झेले सपना। सपना के घर में सपना के साथ घरेलू हिंसा होता है, मारपीट होता है, यहाँ तक कि सपना के जो स्वर्गवासी पति है जिसे हम बहुत ज़्यादा देवता समझते थे, आखिर में वो देवता नहीं, उसने सपना का जीना हराम कर रखा था। सपना के मायके वालों की कोई एंट्री नहीं थी, सपना के मायके वालों को कुछ नहीं समझते हैं क्योंकि सपना के जो पिता है वो काफ़ी गरीब थे और सपना की शादी में कोई दहेज वगैरह नहीं दिया था इनको। सपना के जो हस्बैंड है सूरज चौधरी, वो क्या कहते हैं, कभी अच्छे रहते थे, कभी सपना को मारते पीटते थे, फिर दूसरे दिन फिर से सपना से प्यार से बातें करने लगते थे। दिमागी रूप से बीमार टाइप के इंसान थे। सपना बहुत ज़्यादा उस इंसान से डरती थी, क्या कहे, पूरा गांव सूरज चौधरी से डरता था। राजवीर के जाने के बाद धीरे धीरे इनके परिवार का राज खुलने लग गया कि आखिर इनके परिवार ने राजवीर के जो भी कुछ हुआ ये छुपाया क्यों। तो धीरे धीरे ये पता चला कि राजवीर के जो पापा है वो बहुत पहुँचे हुए चीज़ है, वो सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक है। तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है, एक शिक्षक होने के बाद भी उनके घर में घरेलू हिंसा हो रहा है।